तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवर्क के काम चल रहे हैं। ये आप पातल पानी से देख रहे हैं महू की ओर का नज़ारा। ये गेट जो एक चोलिया गांव में आता है ये उसके पास का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवर्क का काम चल रहा है और काफ़ी गहरा गड्ढे टाइप में खोद दिया है पूरा इन्होंने। इसको भरते हुए लेकर आएंगे अर्थवर्क करते हुए। तो दोस्तों मैं लगभग 2 या 3 महीने पहले आया था, जब तक कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। तब यही था कि बस यहाँ से पटरियाँ उखाड़ ली गई है और एक रोड बना दिया गया है ताकि इनके वाहन जो है आसानी से आ जा सके। परंतु मैं आज आकर देख रहा हूँ तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और है, यानी कि काम की गति थोड़ी सी तीव्र दिखी है। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है। और ये दूसरी तरफ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, और ये दूसरी तरफ का नज़ारा पातलपानी स्टेशन की ओर जाने का। तो ये जो मीटर गेज की लाइन है गेट तक के अभी भी डली हुई है, क्योंकि यहाँ पर सेंटिंग मूवमेंट होते रहते हैं, उस वजह से यहाँ पर अभी मीटर गेज की लाइन उखाड़ी नहीं गई है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन और आगे की ओर, कुछ नज़ारे और देखते हैं रास्ते के। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गुराड़िया के ब्रिज पर। दोस्तों ये साइड में एक वॉल बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भराव करेंगे वो कटे ना, यानी जब बरसात आती है तो मिट्टियाँ बहने लगती है। तो ये वॉल बना देंगे तो मिट्टियाँ बहेगी नहीं, ऐसी कैसी रहेगी। तो ये दोस्तों महू की तरफ का आप नज़ारा देख रहे हैं मंडा बस्ती के पास का, और ये गुराड़िया का ब्रिज जो अभी बनना स्टार्ट हो चुका है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था इधर के नज़ारे, उस समय ये ब्रिज सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए थे, परंतु अब ये बनना स्टार्ट हो चुका है, आकार लेना शुरू कर दिया है इसने दोस्तों। तो ये दोस्तों ये देखिए, एक तरफ ये वाला पिलर रहेगा, एक दूसरी तरफ दूसरा पिलर, और बीच में गार्डर रख दी जाएगी और भराव कर दिया जाएगा। और ये जो आगे के नज़ारे हैं ये सब पातल पानी की ओर जाने वाले नज़ारे हैं दोस्तों। तो अभी सिर्फ अर्थवर्क हुआ है, और जो बीच में छोटे छोटे 2-3 पुलियाएँ हैं उनका काम भी लगभग हो चुका है, और ये बाकी का जो ये बड़ी पुलिया है दोस्तों इसका काम अभी चालू हुआ है। दोस्तों अपन बढ़ते हैं और पीछे की ओर, यानी महू की ओर, फिर देखते हैं वहाँ के क्या नज़ारे हैं। तो आप देख सकते हैं बंडा बस्ती के आगे के नज़ारे हैं पातल पानी की ओर के। यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है, मोहरम डाल करके रोलर फिराया जा रहा है ताकि ज़मीन ठोस हो सके, फिर इसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करके गिट्टी बिछाई जाएगी, फिर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों आप महू की ओर का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंकेटिंग हो गई है, उसके बाद में ये गिट्टियों के चट्टे लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों काम की गति थोड़ी सी बढ़ी है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ी लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है दोस्तों। और महू की ओर चलते हैं अपन, और आगे गेट की तरफ LC 261 की तरफ, वहाँ के नज़ारे देखेंगे दोस्तों अपन। दोस्तों ये एक बंडा बस्ती के आगे एक ब्रिज बन रहा था, जिस पर अभी गर्डर रखना बाकी है। बाकी दोनों तरफ के ये पिलर टाइप में तो बना दिए गए हैं, बस इस पर गर्डर रखेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर भी गिट्टी वगैरह डाल के इसको लिंक कर देंगे पूरा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पटरी डलना भी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ये बंडा बस्ती के आगे का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेन लाइन डलना शुरू हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों रेल स्पेशल है ये देखिए। बंडा बस्ती का गेट जो था ये यहाँ तक अभी तक रेल नहीं डली थी, पर अभी रेल डाल दी गई, और ये बंडा बस्ती से आगे की ओर ये रेल स्पेशल जा रही है पातल पानी की ओर। ये थोड़ा सा दूर तक के और लगभग गेट से लगभग 100 मीटर की टुकड़े में और रेल डाल दी गई है। ये उधर का ही नज़ारा आप देख रहे हैं, वहाँ तक के ट्रेन जाएगी, फिर ये रेल गिरा कर आएगी, और ये कंटिन्यू आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर और रेल पड़ी हुई है, तो ये पहले भी गिरा चुकी है। ये रास्ता अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये रेल गिरा दी गई है तो रास्ता भी नहीं बचा है, और ट्रैक भी डल चुका है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों धीरे धीरे अभी ये जो ट्रैक है ये पातल पानी की ओर बढ़ते हुए, तो ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छा सुखद एहसास है कि कम से कम पातल पानी की ओर ये ट्रैक बढ़ रहा है। नहीं तो अभी काफ़ी लंबे समय तक के जो था दोस्तों ये सिर्फ महू यार्ड में जो बंडा बस्ती का गेट है वहाँ तक के ही ट्रैक डाला गया था, परंतु अब पूरी आगे की ओर ट्रैक डल चुका है और ये ट्रेन वहाँ तक पहुँच रही है अब। ये बढ़िया है दोस्तों। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, इधर OHE के पोल वगैरह भी गाड़ दिए गए हैं, साथ ही साथ OHE के काम भी चल रहे हैं। दोस्तों ये अच्छी बात है कि एक साथ सारे काम चल रहे हैं, तो जल्दी ही लगता है कि ये कुछ समय बाद में सारे काम एक साथ होकर के जो चालू मिल जाए। देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या होना है, परंतु अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस यही है कि काम धीरे धीरे चल रहे हैं अभी तो। ये दोस्तों ये रास्ता चालू देना है इन्हें, क्योंकि ये रास्ता
जो एक इधर जो दूसरी बस्ती है बंडा बस्ती है, फिर पासीपुरा और उधर का एरिया है, ये रास्ते का यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए गड्ढा खोद देंगे और ये जो रेल पैनल डले हुए हैं यहाँ पर इसको नीचे की ओर गड्ढे में डाल देंगे ताकि ये रोड चालू दे सके। और ये जो ट्रैक डला हुआ है दोस्तों यहाँ पर भी मट्टी वगैरह डाल करके चालू था पहले ट्रैक रोड, अभी जो ये पैनल गिरे इस वजह से बंद था। ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ से गड्ढे खोद देंगे और ये पैनल जो है रेल पैनल उसमें गड्ढे में डाल देंगे और वापस मिट्टी डाल करके रोड चालू देना है दोस्तों, चालू हो जाएगा रोड। तो दोस्तों ये थी कुछ यहाँ की अपडेट वहाँ पातलपानी से डीएडीएन तक की यार्ड की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।